नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, देवभूमि उत्तराखंड की विरासत और देवभूमि उत्तराखंड की परंपरा क्या खतरे में है? और क्योंकि इन दिनों इसी सवाल ने पहाड़ी वासियों की चिंता को बढ़ाकर रख दिया है। 2001 में यूपी से अलग हुई देवभूमि को एक नया भविष्य देने के लिए जनता द्वारा चुनी गई सरकार का गठन हुआ, लेकिन बीते 20 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो आज का उत्तराखंड अपनी असल पहचान खोता जा रहा है? देवभूमि को इस्लामिक लैंड बनाने का सच क्या है? पलायन की मार झेल रही देवभूमि क्या घुसपैठियों का आशियाना बन चुकी है? मुस्लिमों की बढ़ती आबादी से क्या देवभूमि के अस्तित्व को सच में खतरा है? सच क्या है, देखिए धर्मज्ञान पर इसकी एक खास रिपोर्ट। देवभूमि को इस्लामिक लैंड बनाने की बड़ी साजिश, पहाड़ी इलाके में दिखी मुस्लिमों की आंधी, 24 साल में बुलेट की रफ्तार से बढ़ी मुस्लिम आबादी, देवभूमि के खिलाफ रोहिंग्या मुस्लिमों की साजिश, आज के देवभूमि का सच क्या है, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून का परेड ग्राउंड, जी हाँ, जहाँ बीते दिनों सैकड़ों की संख्या में मुस्लिमों का जमावड़ा नजर आया। बकायदा एक प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहाँ मियत उलेमाए हिंद और इमामे रिसालत की देखरेख में सैकड़ों मुस्लिम प्रदर्शनकारी यहाँ एकजुट दिखे और इसी प्रदर्शन में नासिक के रामगिरी महाराज को गुस्ताखे रसूल घोषित किया गया। ईश निंदा के खिलाफ कानून बनाने के लिए मोदी सरकार को बकायदा 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। रामगिरी महाराज पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने नबी की शान में गुस्ताखी की है। और फिलहाल तो देखिए प्रशासन से लेकर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन देखिए यह गौर करने वाली बात यह है कि देवभूमि पर मुस्लिमों की यही चौंकाने वाली तस्वीर क्या किसी खतरे का संकेत है? सवाल ये उठता है कि जब हिमाचल प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी 2% से ऊपर नहीं बढ़ पा रही है तो फिर उत्तराखंड में मुस्लिमों की तादाद लाखों में कैसे पहुंच चुकी है? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? अब अगर आप ये कहेंगे कि जब मुसलमान देश का हिस्सा है तो फिर वो देवभूमि में रहे या दिल्ली में रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ आपको देखिए ये समझना होगा कि भू कानून पारित नहीं होने के चलते आज का उत्तराखंड अपनी संस्कृति को सच में खोता जा रहा है, क्योंकि पहाड़ी वासियों के पलायन की वजह से उत्तराखंड वीरान होता जा रहा है और अन्य राज्यों से आए मुस्लिम वहां पर अपना बसेरा बसा रहे हैं। प्रदेश की जो डेमोग्राफी है वो पूरी तरह से बिगड़ चुकी है, जिसके चलते देवभूमि अपने खुद के अस्तित्व को खो रही है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि देवभूमि पर कब्जा करने वाले घुसपैठी रोहिंग्या मुसलमान है। 24 साल में आपको यकीन नहीं होगा कि 16% हुई उत्तराखंड की मुस्लिम आबादी क्या सच में एक खतरे का संकेत दे रही है? सच क्या है, आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भू कानून होने के चलते हिमाचल प्रदेश में 1971 से लेकर अब तक, यानी कि आज के डेट तक, मुस्लिम आबादी 2% के ही आसपास है, ना घट रही है ना बढ़ रही है, यानी कि यही की देवभूमि पर मुस्लिम आबादी का विस्तार नहीं हुआ है। लेकिन इसके उलट उत्तराखंड में ना ही कोई भू कानून है, ना ही घुसपैठियों के खिलाफ कोई सख्त से सख्त कानून, और जिस कारण साल 2000 में उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो मुस्लिम आबादी 1.5% थी, आज वो 16% हो चुकी है। अब देखिए देवभूमि के 4 मैदानी इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक होते जा रहे हैं। हरिद्वार में देखिए इस वक्त सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी हो गई है, यहाँ कुल आबादी का करीब 34% हिस्सा मुस्लिम है। उधम सिंह नगर जिले में भी 32%, नैनीताल जिले और देहरादून जिले में 30-30% मुस्लिम आबादी यहाँ बस चुकी है। और अब तो देखिए पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्रों में भी मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ने लगी है। अब देखिए इसी मुस्लिम आबादी में अवैध मदरसे भी मस्जिदों की भरमार हो रही है, सरकारी जमीनों पर कब्जा हो रहा है, यहाँ तक कि जंगल की जमीनों पर भी अवैध रूप से मुस्लिमों ने अंदर तक जाकर कब्जे कर लिए और वहां से बहुमूल्य वन संपदा का भी दोहन हो रहा है। देवभूमि पर बढ़ने वाली यही मुस्लिम आबादी पहले किराए पर रहती है और फिर धीरे 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 अपनी बसावट करने लग जाती है और जमीनों पर इनका अतिक्रमण शुरू हो जाता है। रोहिंग्या मुसलमानों को मिलने वाला राजनीतिक संरक्षण और फर्जी दस्तावेज बनाने वाली भ्रष्ट प्रणाली, इसके परिणाम वश देखे उत्तरकाशी के 150 मुस्लिम वोटर आज के डेट में 5,000 हो चुके हैं। इस वक्त देखिए मुस्लिमों की जनसंख्या दर अगर कहीं तेजी से बढ़ रही है तो असम के बाद अगर दूसरा कोई राज्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा पहले ही इस बात की चेतावनी दे चुके हैं कि असम देश का मुस्लिम राज्य बनने वाला है और इसी कड़ी में अगला नंबर, यानी कि असम के बाद उत्तराखंड का ही आप तय समझिएगा। अगर समय रहते सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाए गए तो फिर इस्लामी दुनिया देवभूमि उत्तराखंड की तकदीर एक दिन जरूर बन जाएगी।
आपको स्टोरी कैसी लगी और कितना गंभीर मसला है ये कमेंट करके बताइएगा जरूर।